प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र में हर जगह सीसीटीवी कैमरों के बावजूद भी दिन दहाड़े बिना चेहरा छुपा एक व्यक्ति आता है और शोरूम से आभूषण लेकर फरार हो जाता है। क्षेत्र में तीन ज्वेलर्स के यहाँ एक ही तरीके से चोरी होती है, लेकिन चोर का पता अब तक नहीं चला है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे में आरोपी का चेहरा भी कैद हुआ है, लेकिन बद्दी पुलिस दावा कर रही है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी ने औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के साई मार्ग पर वारदातों को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि दो माह के भीतर ही क्षेत्र में सोने के आभूषणों के तीसरे शोरूम में चोरी हुई है। इसी के चलते एक मामला 7 अक्टूबर को सरपंच ज्वेलरी शोरूम का है। डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता ने कहा कि पुलिस चोर की तलाश कर रही है। चोर की बाइक को ट्रेस करने का पता चला कि उसका नंबर गलत है और जिस वजह से उसकी तलाश में परेशानी हो रही है। जल्द ही पुलिस चोर को पकड़ने में सफल होगी। मेरा नाम निखिल वर्मा है, सरपंच ज्वेलर के नाम से मेरी शॉप है बद्दी में, वर्धमान चौक के पास। एक बंदा आया था 5 तारीख को, चैन का ऑर्डर देके गया था, एडवांस पैसे भी दे गया था। उसका नाम संतोष बताया उसने, और हैवल कंपनी में काम करता हूँ। तो वो 5000 रुपये एडवांस दे गया था। तो कल चैन लेने आया था, लेने के बाद मतलब डाल के दिख रहा था, पहन के दिख रहा था, वेट भी करवाया उसने। वो एकदम झपक्का मार के भाग गया बाहर। बाहर एक बाइक पर दूसरा बंदा स्टार्ट करके बैठा था पहले, तो जब मैं पीछे भागा तो फरार हो गया उस वक्त। आज ही पता लगा, ये पुलिस स्टेशन गए थे तो पता लगा कि दो दुकानें पहले भी ऐसे हुआ है कि चैन लेके भागा है, अंगूठी लेके भागा है एक दुकान से। कल रात सरपंच ज्वेलर्स के नाम से एक यहाँ पे और शॉप है, यहाँ से लगभग कोई आधा किलोमीटर आगे जाके, तो वहां जाकर के उस शॉप में कल एक फिर से ऐसी वारदात हुई, जहां से आए आकर के 5000 करोड़ एडवांस पेमेंट दी। एडवांस पेमेंट देकर के अपना मोबाइल नंबर दिया और साथ ही साथ में वहां से वो सोने की चेन जो है वो 1.5 तोले की वो उठा के लेके गया। उज्जवल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16।